नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो एक्सपर्ट्स, मंत्रियों और चिकित्सा विभाग की टीम के साथ मीटिंग ली गई थी, उसमें यह बात क्लियर हो गई है कि राजस्थान में लॉकडाउन और बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, कितना बढ़ेगा, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं कि 15 दिन लॉकडाउन और बढ़ने वाला है, यानी कि 24 मई तक लॉकडाउन है राजस्थान में, और 15 दिन और अगर हम जोड़ें तो 10 जून तक सख्त लॉकडाउन राजस्थान में रहने वाला है। ऐसे में आपको क्या छूट मिलने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। एंड तक आप पूरी लिस्ट जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मीटिंग में एक्सपर्ट से सुझाव मांगे गए तो सभी के द्वारा एक ही सुझाव दिया गया कि राजस्थान में लॉकडाउन और बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस बात को मान भी लिया गया है और राजस्थान में 24 मई तक पहले ही सख्त लॉकडाउन है, अब इसमें 15 दिन और बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो सख्त लॉकडाउन में नरेगा के कार्य बंद पड़े थे, वो अब इससे जो नई गाइडलाइन आ रही है उसमें वो सभी खुल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कई छूट मिलना आपको संभव है। इनमें मनरेगा के अलावा एग्रीकल्चर इनपुट और उपकरणों से जुड़ी दुकानों का समय इसमें बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान में मानसून आने वाले हैं और ऐसे में खरीफ की जो फसल की बुवाई है वो होने वाली है। इनमें दोस्तों ग्वार, बाजरा मुख्य रूप से राजस्थान में बोया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में ये निश्चित है कि जो एग्रीकल्चर और इनपुट और उपकरणों से जुड़ी दुकानें हैं, इनका समय बढ़ाया जा सकेगा। किसान खरीफ की बुवाइयों की तैयारियों के लिए खेतों को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि खाद, बीज, कृषि उपकरणों और उनके मेंटेनेंस से जुड़ी दुकानों को खोलना जरूरी हो गया है और ये 100% ही दोस्तों सरकार को खोलनी पड़ेंगी। अगर इनको भी नहीं खोलेंगे तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि सख्त लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट बहुत गहरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा नई गाइडलाइन में किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इन दुकानों को अभी सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। इसे शाम 6 बजे तक किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों जो 6 बजे से और 11 बजे तक दुकान खुल रही थी, अब वो 6 बजे तक उनको खोलने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जिस प्रकार से यह नोटिस डाला गया है सभी जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, उसी प्रकार से दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा एक और नोटिस आने वाला है, जिसमें आपको पूरी लिस्ट आएगी कि क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। यहाँ पर इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये तो निश्चित कर दिया है कि 24 मई से और 15 दिन और आगे बढ़ाने का इसमें सुझाव मीटिंग में आया है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। राजस्थान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएँ, ताकि आपको राजस्थान लॉकडाउन से संबंधित हर अपडेट इस चैनल पर मिल सके।